Hey friends, welcome back to my channel and show of watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी शेजवान मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। आप देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, बनाने में बहुत ही आसान है और स्वाद इसका लाजवाब है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरी आज की बताई हुई रेसिपी पसंद आती है, इजी लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। शेजवान मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई। इसमें ऐड किया है 2 स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कीजिए 7 से 8 लहसुन, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा पक जाए उसी स्टेज पर आप यहाँ पर ऐड कीजिए प्याज। तो मैंने 2 प्याज बारीक बारीक चॉप कर ली हैं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर की सहायता से चॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोटे छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्याज और लहसुन को अच्छे से फ्राई करूँगी, ओवर कुक नहीं करना है। प्याज को हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है क्योंकि जो भी इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उनका क्रंची फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज लहसुन अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम 2 से 3 मिनट तक ही कुक करेंगे क्योंकि हमें इसका क्रंचीनेस बरकरार रखना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 3 टमाटर, जिसको मैंने ग्रेवी फॉर्म में कर लिया है। मीन्स अगर आप इसको ज़्यादा देर तक चॉप करेंगे तो ये ग्रेवी फॉर्म में आ जाता है, नहीं तो आप टमाटर को ग्रेटर की सहायता से भी घिस सकते हैं, लेकिन हमें टमाटर ग्रेवी की फॉर्म में ही चाहिए ताकि जो हम शेजवान सॉस मैक्रोनी पास्ता बना रहे हैं उसका टेक्स्चर सॉसी हो। यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक जाएं इसके लिए मैंने नमक ऐड किया है। अब हम इसको अगेन 2 to 3 मिनट्स के लिए पका लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शेजवान चटनी। शेजवान चटनी आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेजवान चटनी का वीडियो भी शेयर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 स्पून शेजवान सॉस ऐड की है, 1 स्पून टोमेटो केचप ऐड किया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और उसी के साथ इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड किया है। ओरिगेनो का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पास्ता या मैक्रोनी में, तो ज़रूर ऐड कीजिए। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। मेरे पास थोड़ा सा चीज़ था तो इसीलिए मैंने चीज़ भी ऐड किया है, लेकिन चीज़ ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है इसीलिए मैंने ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। मैक्रोनी को उबालने के लिए पहले आप पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे ही पानी उबलने लगे तब आप उसमें मैक्रोनी को ऐड कीजिए, 1 स्पून ऑयल ऐड कीजिए और थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। जब मैक्रोनी अच्छे से उबल जाए तो आप उसको एक बार ठंडे पानी से धो लीजिए, तो मैक्रोनी आपकी बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग दानों की फॉर्म में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर मैक्रोनी ऐड कर दी है और इसको सभी चीज़ों के साथ मिक्स करूँगी जो ग्रेवी हमने बनाकर तैयार की थी। केवल इसको मिक्स करना है और आपका शेजवान मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो था ना कितना आसान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेजवान मैक्रोनी पास्ता बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको ढककर पकाएं ताकि मैक्रोनी में सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छा सा एरोमा आपके किचन में फैल जाए। मैक्रोनी बनकर है बिल्कुल तैयार। तो अब आप इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म टोमेटो केचप के साथ, ग्रीन चिली सॉस के साथ। बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिए। आशा करती हूँ आज की सिंपल सी इजी सी रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस तरह की और भी इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टेस्टी इजी रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। लास्ट में आप इसको गार्निश कीजिए हरे धनिया के साथ और तैयार है आपका मैक्रोनी पास्ता विद शेजवान सॉस।
Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Take care. Stay safe. Stay home. And Namaste, India.